कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। और आप सबको आज 14 सितंबर है, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैकेनिज्म एंड थ्योरी ऑफ म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हम लोगों ने मैकेनिज्म देख लिया था और जाना देखा था कि 6 प्रकार की थ्योरी होती है, 6 का नाम जान लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे, उन सभी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे और एप्लीकेशन के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो उसमें पहली थ्योरी दोस्तों थी, वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी। तो देखो, सारी थ्योरी का पर्पस ये है, वो एक मैकेनिज्म बता रहे हैं किस मैकेनिज्म के द्वारा जो म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो ड्रग है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। देखो, मैंने बताया था आपको कि ये हमारा कोई इंटरनल ऑर्गन है और इंटरनल ऑर्गन में दोस्तों ये जो हमारा बॉडी का लेयर है, ये हमने मान लिया कि ये हमारा म्यूकस लेयर है। दोस्तों कौन सा लेयर है? ये म्यूकस लेयर है। और इसके ऊपर हमने जो स्ट्रिप चिपकाई है, किसकी? पॉलीमर की, जिसमें क्या है? हमारा ड्रग है। तो इस पॉलीमर में जो ड्रग है वो म्यूकस को पार करके ये ड्रग आपके ब्लड स्ट्रीम में कैसे पहुंचता है, इसी को मैकेनिज्म को हमको समझना है। तो लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि इसके दो स्टेज होते हैं, कॉन्टैक्ट स्टेज और कंसीलिंग स्टेज, वो भी डिस्कस कर लिया था। आज हम इस थ्योरी की बात करेंगे। तो पहली थ्योरी है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, पहली हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ये कहता है कि जब भी क्यों भी म्यूकस लेयर के ऊपर हमारा जो ड्रग एडहेसिव पॉलीमर है वो पॉलीमर एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का निर्माण होता है। अब ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैसे बनता है? इनका मानना है कि जो ये म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? निगेटिवली चार्ज। और जो म्यूको एडहेसिव में एक पॉलीमर यूज होता है, इसका नाम होता है चिटोसन। ठीक है, काइटोसन कहते हैं इसको, काइटोसन। ये जो काइटोसन पॉलीमर है दोस्तों, ये काइटोसन पॉलीमर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? पॉजिटिवली चार्ज। अब आप देखिए कि इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, म्यूकोसा का नेगेटिवली चार्ज एटम और आपके काइटोसन पॉलीमर का पॉजिटिवली चार्ज एटम। ये दोनों जब आपके इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनाएंगे, डबल लेयर बनेगा और डबल लेयर बनने के कारण क्या होगा, यहां से आयंस का मूवमेंट शुरू होगा और ये दोनों म्यूकस और पॉलीमर आपस में बहुत क्लोजली अटैच हो जाएंगे और जब जुड़ेंगे, आपस में मिलेंगे, डिजॉल्व होंगे और ये ड्रग अंदर जाना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या इलेक्ट्रिकल थ्योरी। तो इसमें क्या लिखा है? पहले हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इसमें क्या लिखा है? द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरी इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बिटवीन द म्यूकस एंड पॉलीमर लेयर। बेसिकली द म्यूकस लेयर इज नेगेटिवली चार्ज एंड द पॉलीमर एडहेसिव पॉलीमर व्हिच इज मेड अप ऑफ काइटोसिन इज पॉजिटिवली चार्ज। When adhesive polymer is comes in the contact with the mucosa layer, they form the cationic and anionic electrical double layer, and after they form a complex and then the release into the systemic circulation. ये पहला concept है, बहुत ही आसान theory दोस्तों। दूसरी हम बात करेंगे wetting theory की। Wetting theory आपको पता है कि wetting theory क्या है, कि मान लीजिए ये हमारा mucosa का surface है, अब इस पे जो हमारा drug है, drug का particle ऐसे भी पड़ सकता है, drug का particle ऐसे भी पड़ सकता है, ड्रग का पार्टिकल ऐसे भी पड़ सकता है। तो अभी आप देखें, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल इतना है, यहाँ कॉन्टैक्ट एंगल इतना है और यहाँ कॉन्टैक्ट एंगल इतना है। तो जिस जो ड्रग का पार्टिकल है म्यूकोसा के सरफेस पे, जिस जगह पे अटैच हो रहा है उसे उसका कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। तो जो हमारा दोस्तों ये वेटिंग थ्योरी है वो कॉन्टैक्ट एंगल के बेसिस पे काम करता है। वेटिंग एंगल, वेटिंग भी क्या होता है कि जब भी हमारा ड्रग पॉलीमर या हमारा जो पॉलीमर है वो म्यूकोसा के कांटेक्ट में आता है तो उसका कांटेक्ट एंगल जितना कम होगा उसकी ड्रग की पेनिट्रेशन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कांटेक्ट एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी ऑफ पेनिट्रेशन। यानी कांटेक्ट एंगल जितना कम होगा उतना ज्यादा वेटिंग पावर बढ़ेगा, उतना ज्यादा वेटिंग होगा और एफिनिटी पावर बढ़ेगा, ये थ्योरी यही बताता है। तो हेडिंग है वेटिंग थ्योरी, इसमें क्या लिखेंगे कि द वेटिंग थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कोहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्टैक्ट एंगल। When the contact angle is high, then the affinity for drug penetration is low. It means the contact angle of polymer is inversely proportional to the affinity. ठीक है, ये फिगर बना दीजिएगा और यहाँ से इतना लिख लीजिएगा। बहुत दो चार लाइन लिखना है दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। अब हम बात करेंगे, तीसरा है adsorption theory. Adsorption theory का मतलब क्या होता है? तो आपको पढ़ा है कि absorption और adsorption।
अगर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन ए बी, और अगर सरफेस के ऊपर चिपक रहा है तो एडजॉर्प्शन ए डी। ओके, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में आपको डिफरेंस समझना है दोस्तों यहाँ पे। तो जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है दोस्तों, ये एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहता है कि जब हमारा जो जो हमारा म्यूकस का लेयर, हमारा जो ये हमारा म्यूकस का लेयर है दोस्तों, इस म्यूकस लेयर के ऊपर जब पॉलीमर के मॉलिक्यूल और ड्रग के मॉलिक्यूल आके यहाँ पे कंबाइन होते हैं या चिपकते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे ये आके चिपकते हैं। और यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी बॉन्ड केमिकल बॉन्ड और सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड कहते हैं। दोनों तरफ से जो पार्टिकल के बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो प्राइमरी केमिकल बॉन्ड होता है दोस्तों, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जो सेकेंडरी हमारे बॉन्ड होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, वांडर वाल, ठीक है, ये सब जो वीक स्टैटिक फोर्स होते हैं, ये सारे बॉन्ड यहाँ पे काम करते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड्स के द्वारा, केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा पार्टिकल सरफेस पे आके पहले चिपकते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं, फिर धीरे धीरे वहां से एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं। तो एड्जॉर्प्शन थ्योरी पे हम क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एड्जॉर्प्शन थ्योरी, व्हेन द पॉलीमर्स एंड ड्रग मॉलिक्यूल्स कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द म्यूकस लेयर, देन दे आर अटैच्ड विद, दे आर एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस एंड पार्टिकल्स गेट अटैच्ड विद द म्यूकस बाय द टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। दे आर द प्राइमरी कोवेलेंट, प्राइमरी केमिकल बॉन्ड एंड सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड। प्राइमरी केमिकल बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द सेकेंडरी कोवेलेंट बॉन्ड इज वीक बॉन्ड लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वांडर वाल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स एंड मेनी मोर थिंग्स। ओके, हम इस चीज को समझ रहे हैं कि किस थ्योरी के हिसाब से क्या बातें कही जा रही है। तो एब्जॉर्प्शन थ्योरी हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों डिफ्यूजन थ्योरी की। तो डिफ्यूजन थ्योरी, आपको पता है कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। तो ड्रग का कंसेंट्रेशन हाई ज्यादा है पॉलीमर की तरफ और ये ब्लड की तरफ कम है, तो जो इधर से इधर का मूवमेंट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन थ्योरी है दोस्तों, ये क्या कहता है, डिफ्यूजन थ्योरी कहता है कि जब म्यूकस और आपका पॉलीमर, जब म्यूकस और पॉलीमर आपस में मिलते हैं, ठीक है, इसको दोस्तों समझाएंगे किस तरह से हम लोग, कि जब म्यूकस और पॉलीमर आपस में मिलते हैं तो एक सेमी परमानेंट एडहेसिव बॉन्ड बनाते हैं। यानी हम देखिए ये दोस्तों, ये एक म्यूकस है और ये देखो पॉलीमर है। जब ये म्यूकस और पॉलीमर दोस्तों आपस में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, एक सेमी परमानेंट, एसपी का मतलब हो गया सेमी परमानेंट एडहेसिव बॉन्ड बनाते हैं, यानी एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि सेमी परमानेंट एडहेसिव नेचर का होता है। और जैसे जैसे सेमी परमानेंट एडहेसिव जो नेचर होता है, क्या करता है, ये डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को बढ़ाता है किसी भी पॉलीमर या ड्रग के, ये नेचर जो है डिफ्यूजन पार्टिकल कोएफिशिएंट बढ़ाता है। और जैसे जैसे ये नेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की वैल्यू बढ़ेगी, और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की वैल्यू जब बढ़ेगी दोस्तों, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कब ज्यादा होता है, जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, किसका, पॉलीमर और ड्रग का। तो पॉलीमर और ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस जितना कम होगा, ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका, डिफरेंस किसका, पॉलीमर और ड्रग का डिफरेंस जितना कम होगा उसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, और उसकी डिफ्यूजिविटी ज्यादा होगी, उस हिसाब से उसका परमिएशन रेट भी बहुत ज्यादा होगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजन थ्योरी ऑफ म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, व्हेन द म्यूकस एंड पॉलीमर आर कंबाइंड, देन दे फॉर्म अ सेमी परमानेंट एडहेसिव लेयर, एंड दिस सेमी परमानेंट एडहेसिव लेयर्स इस लेयर्स डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज हाई, सो देयर परमिएशन रेट विल बी हाई, एंड द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन द ड्रग एंड पॉलीमर। बस इतना पॉइंट आपको लिखना है। अगर हम बात करें दोस्तों नंबर ई, पांचवा है मैकेनिकल थ्योरी। तो मैकेनिकल थ्योरी मतलब समझते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई केमिस्ट्री कोई फिजिक्स नहीं लग रही है, वो एक सिंपल सी मैकेनिक है। तो उनका मानना है, जैसे मान लीजिए ये हमारा दोस्तों कोई एक हमारा ये एक म्यूकस की लेयर है। अब इस दोस्तों इस म्यूकस के लेयर में कहीं कहीं पे पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, दिस इज द पोर्स, और कहीं कहीं पे क्या होते हैं, इनके सरफेस पे डिप्रेशन पाए जाते हैं। इसको आप इस तरह देखिए, ये है हमारे डिप्रेशन, ये जो गड्ढे दिख रहे हैं इसको डिप्रेशन कहते हैं। तो इनका मानना है कि जब इस म्यूकस के पास ड्रग मॉलिक्यूल आते हैं तो कुछ जो ड्रग मॉलिक्यूल छोटे साइज के होते हैं वो आसानी से इस पोर को पार कर जाते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं तो वो इसी डिप्रेशन पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, और डिप्रेशन पे इकट्ठा होते होते धीरे धीरे मेम्ब्रेन रैप्चर होती है, और धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब होके नीचे आते हैं।
यानी इनका मानना है कि ये जो ड्रग एब्जॉर्ब होके म्यूकस मेम्ब्रेन को पार कर रही है उसमें हेल्प किसका है, पोर्स का और डिप्रेशन का। ये पोर्स और डिप्रेशन की सहायता से ही ड्रग अंदर जाते हैं, ऐसे कोई थ्योरी से अंदर नहीं जाते हैं, ये मैकेनिकल थ्योरी है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, द अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल थ्योरी ऑफ म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम द ड्रग आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ पोर्स एंड डिप्रेशन। द स्मॉल पार्टिकल्स कम्स अक्रॉस थ्रू द पोर्स एंड द लार्ज पार्टिकल कम्स एंड स्टिक ऑन द डिप्रेशन एंड देयर स्लोली स्लोली दे कम्स डाउन इनटू द एंड स्लोली स्लोली दे एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। बस इतना ही आपको फिगर बना के ये लिखना है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कोहेसिव थ्योरी की, तो कोहेसिव थ्योरी आपको पता है कि एडहेसिव थ्योरी क्या होता है, कि जब दो डिफरेंट टाइप के पॉलीमर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं सॉलिड लिक्विड। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास एक सॉलिड पार्टिकल है एक लिक्विड पार्टिकल है, तो जब सॉलिड पार्टिकल सॉलिड से मिलेगा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स। लिक्विड पार्टिकल लिक्विड से मिलेगा तो यहाँ पे कोहेसिव, लेकिन जब सॉलिड पार्टिकल लिक्विड से मिलेगा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, एडहेसिव। यानी डिफरेंट सरफेस है तो एडहेसिव फोर्स, सेम सरफेस है तो कोहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि इनका मानना है कोहेसिव थ्योरी का कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो लिक्विड नेचर के होते हैं, यानी कि जब भी वो म्यूकस के बॉडी में जाते हैं वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लिक्विड नेचर में कन्वर्ट होते हैं, और लिक्विड नेचर में कन्वर्ट होने के कारण म्यूकस ऑलरेडी लिक्विड है तो लिक्विड लिक्विड के बीच कोहेसिव फोर्स डेवलप होता है और उस कोहेसिव फोर्स के कारण ड्रग पार्टिकल का मूवमेंट होता है। ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कोहेसिव थ्योरी व्हेन द ड्रग पॉलीमर एंड ड्रग कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस लेयर दे गेट लिक्विफाइड and after converting to liquid form they show cohesive force with the mucus layer and so by this mucus cohesive force the liquid the drug particles absorb into the ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मोटा मोटी दोस्तों हमने देखा कि जो कुल छह थ्योरी थी, इलेक्ट्रिकल थ्योरी कहती है कि भैया पॉलीमर और ड्रग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्लस माइनस होता है उससे एब्जॉर्प्शन होता है। वेटिंग थ्योरी कहती है कॉन्टैक्ट एंगल के हिसाब से एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन थ्योरी कहती है जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है उससे एब्जॉर्प्शन होता है। डिफ्यूजन थ्योरी कहती है कि जो पॉलीमर के बीच एडहेसिव क्या बनता है आपका, सेमी परमानेंट एडहेसिव बनता है, डिफ्यूजिविटी बढ़ती है उससे होता है। मैकेनिकल थ्योरी कहता है पोर्स और सरफेस से होता है, और कोहेसिव थ्योरी कहता है कि कोहेसिव फोर्सेस से होता है। तो दोस्तों ये अलग अलग कुल थ्योरीज थी, अपने कॉपी में ऐसे ही लिख लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है, नोट्स बना लीजिएगा। और इसमें टॉपिक है नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द म्यूको एडहेसिव डेंड्रल सिस्टम, तो ये बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में पूछा भी जाएगा, तो इसका एप्लीकेशन आप खुद से कॉपी में देख के लिख सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन से वैक्सीन, आजकल बहुत सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस है, कॉलरा है, डिप्थीरिया, जो भी वैक्सीन है वो भी इस नए फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं म्यूको एडहेसिव के फॉर्म में। कुछ जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम लोग वो भी इम्यूबलाइज करके दे रहे हैं। तो ढेर सारे एप्लीकेशन अपनी कॉपी में अपने बुक से लिख लीजिएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं, मैं लेक्चर लूँ। ठीक है, तो यूनिट नंबर टू में दो चैप्टर खत्म हो चुका है, हम लोगों ने खत्म कर लिया है माइक्रो इनकैप्सुलेशन और म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, दिस इज द बकल एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो बकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए और KCL के साथ जुड़े रहिए।